ऐसा देखा गया है कि गुरु जो भी राशि में जो भी घर में विराजमान होता है, जैसे हम बोलते हैं कि कारको भाव नाशाय थियरी है या तो स्थान हानि करे जीवा, ये एक कॉमन हम लोग पढ़ाई के तौर पर या तो एक्सपीरियंस के तौर पर हमेशा हॉरोस्कोप में स्टडी करते हैं। परंतु जैसे हम लोग राहु केतु के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग केतु के बारे में जब बात करते हैं कि केतु भाई जहाँ पर भी विराजमान होता है तो उस भाव के यानी कि उस हाउस के प्रति कुछ ना कुछ न्यूनता या तो कमीपन आपको देता है, आपको उस जगह के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस घर के कारकत्व को हासिल करने के लिए या तो उससे मिलाप करने के लिए उसके साथ कंपैटिबल करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि केतु क्या करता है कि जो घर में बैठ जाता है उस घर की जितनी भी एनर्जी है उसको वो स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इस घर के कारकत्व के प्रति सबसे ज़्यादा काम करें। उसी प्रकार से गुरु जो भी घर में बैठा होता है आपके कुंडली अनुसार उस घर के कारकत्व में वो अवश्य न्यूनता लाता है। ये तो हो गया कारको भाव नाशाय, ठीक है। परंतु अगर हम कार्मिकली इस ग्रह को देखते हैं यानी कि गुरु महाराज कार्मिकली कैसे हमारे जो भी घर में विराजमान होते हैं अपनी कुंडली में तो कैसे काम करते हैं, तो यह गुरु जहाँ पर भी बैठा है तो उस घर के प्रति आपके बहुत ज़्यादा कर्म बाकी है, आपने उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा काम करना है। गुरु जो भी घर में विराजमान होता है उस घर के सभी कारकत्व को, सभी नॉट वन और टू, सभी कारकत्व को पूर्ण करने के लिए, हासिल करने के लिए, मिलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ती है। एक मैं एक आसान सा आपको एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ कि जिनका भी गुरु समझो पंचम भाव में विराजमान है, पांचवा स्थान है, तो उनको हमेशा प्यार में जैसे रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है, अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप, एडुकेशन में उनको ब्रेक्स आ सकता है, स्ट्रीम चेंज होती है, पंचम भाव के प्रति सबसे ज़्यादा उनका कार्मिक एक्टिविटीज़ बैलेंस है। क्योंकि गुरु जो है वह सबसे स्थूलकायी ग्रह माना गया है और गुरु जहाँ पर भी बैठ जाता है उस भाव के वजन को, उस भाव के वेटेज को बहुत बढ़ा देता है, वजन को बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होता है कि उस घर में इतनी सारी इमोशनल यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना बढ़ जाता है कि लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है सब कुछ सामने है लेकिन हम लोग कुछ ले नहीं पाते। तो गुरु जो भी घर में विराजमान होता है, जैसे हम लोग अभी पंचम भाव की बात कर रहे थे, तो जितने भी कारकत्व है पंचम भाव के, आप एक ध्यानपूर्वक मंत्र साधना नहीं कर पाते हो, उसमें आपको ब्रेक्स आ जाते हैं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं, प्रोजेनी यानी कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होता है, आपको खुद की सेहत के लिए, मतलब फिर आपको देखना है कि कौन से घर में यह गुरु विराजमान है, हो सकता है कि आपको अपनी माता की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती। उसी प्रकार अगर गुरु आपके दूसरे स्थान में विराजमान होता है तो पूर्णतः घर की जिम्मेदारी आपको कभी ना कभी उठाने का ऐसा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके, बहुत स्ट्रगल करके आप अपना पैसा अक्यूमुलेट करते हो, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, परंतु आपका जो कार्मिक घर माना गया है पूर्ण कुंडली का, वो मेरे अनुभव अनुसार मैंने देखा है कि जिस भी घर में गुरु महाराज आप कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आपके कई जन्मों के आपके प्रायश्चित पुण्य पाप इस सब के अनुसार वह घर आपका कार्मिक घर बन जाता है जिस घर में आपका गुरु विराजमान होता है। तो आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए और मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप क्या कुंडली में गुरु जहाँ पर भी है तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। धन्यवाद।